होममेड मफिन्स बनाना बहुत ही इजी है। आज मैंने बनाए एगलेस टूटी फूटी मफिन्स। ये आप देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, ये आप देखिए कितना सॉफ्ट है। आप घर पे बहुत ही कम चीज़ों में और बहुत जल्दी 45 मिनट्स में एगलेस टूटी फूटी मफिन्स बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं एगलेस टूटी फूटी मफिन्स। मफिन्स बनाने के लिए मैं ले लूँगी 3/4 कप मिल्क। वार्म मिल्क ले लेंगे, लुक वार्म लेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं लेंगे, हल्का गर्म लेंगे। और 3/4 मिल्क मैं एक बाउल में डाल दूँगी। 3/4 कप ये मैंने मिल्क ले लिया है लुक वार्म। आप अगर मेजरमेंट करना चाहो तो 150 ml मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून विनेगर। आप विनेगर भी डाल सकते हो 1 टेबल स्पून, या आप लेमन जूस भी डाल सकते हो 1 टेबल स्पून। तो मैं अभी विनेगर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। ये मैं विनेगर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। इसको बटर मिल्क बनने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट्स के लिए। जब तक हमारा बटर मिल्क बन रहा है तब तक मैं डाल दूंगी मफिन्स ट्रे में लाइनिंग। ये सारे लाइनिंग डाल दूंगी मफिन ट्रे में। ये मैंने लाइनिंग लगा दिए हैं। अब मैं माइक्रोवेव को प्री हीट होने के लिए छोड़ दूंगी। ओवन को प्री हीट करने के लिए मैंने 10 मिनट्स के लिए 150 डिग्री पे छोड़ दिया है। 10 मिनट्स में ये प्री हीट हो जाएगा। तब तक मैं वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लूँगी। इसके लिए मैं ले लूँगी मैदा, उसको सीव कर लेंगे। अगर मैं कप के हिसाब से लेती हूँ तो 1.5 कप लेंगे, और अगर आप मेजरमेंट करते हो तो 175 ग्राम्स लेना है। ये 1.5 ग्राम मैंने मैदा ले लिया है, इसको सीव कर लेंगे। वन टी एस पी डाल दूंगी बेकिंग पाउडर, 1/2 TSP बेकिंग सोडा, ये दोनों को भी सीव कर लेंगे। 1 पिंच नमक डाल देंगे, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, इन सबको सीव कर लेंगे। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार है। वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए अब ले लेंगे हम बटर मिल्क। हमारा बटर मिल्क ये तैयार हो गया है, इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। अब इसमें डाल दूँगी वेनिला एसेंस, 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस। 3/4 कप ऑयल डाल दूंगी, रिफाइंड ऑयल डाल सकते हो, ये आप अपने हिसाब से कोई भी ऑयल, सरसों का तेल नहीं डाल रहा है। और आप मेजरमेंट अगर करते हो तो आपको 80 ग्राम्स ऑयल डालना है। इसको अच्छे से विस्कर से विस्क कर देंगे, मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब मैं डाल दूंगी पिसी हुई चीनी, 100 ग्राम पिसी हुई चीनी ले लेंगे 100 ग्राम्स, या नहीं तो अगर आप कप के हिसाब से मेजरमेंट करते हो तो आप उसमें 1 कप चीनी डालोगे। 1 कप पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ, इसको भी सीव कर लेंगे। आपको पता है कि पीएच का समीकरण, दैट इज सिग्मा पीएच की जो वैल्यू निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं चीनी और बटर मिल्क तेल, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर तक हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो ऑयल है और चीनी पिसी हुई है वो अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लूँगी मैं। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स है,
आला की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं या विस्कर से मिक्स करते सकते हैं। अब मैं ये सारा ही वे इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। इसके अंदर टूटी फूटी डाल दूंगी, टूटी फूटी डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूंगी। ये हमारा बैटर तैयार हो गया है कि मफिन्स के लिए। अब मैं इसको डाल दूंगी मफिन ट्रे में, मफिन ट्रे के अंदर। इसको पूरा ऊपर तक नहीं फिल करेंगे, लाइनिंग में 3/4 फिल करेंगे। ये मैंने सारा फिल कर दिया है लाइनिंग को, अब इसको टैप कर देंगे। अब मैं ट्रे को, मफिन ट्रे को डाल दूंगी ओटीजी में, ओवन में 150 डिग्री सेल्सियस पे रख के इसको 35 मिनट्स के लिए बेक कर दूंगी। इसको मीडियम ट्रे पे रखना है। ये मैंने को 35 मिनट्स के लिए बेक करने के लिए रख दिया। ये हमारा मफिन्स हो चुका है। अब मैं इसमें टूथपिक डाल के देखूंगी। ये देखिए बिल्कुल क्लीन टूथपिक निकला है, बहुत ही इजी है ये घर का मफिन्स बनाए घर पे। और होममेड मफिन बहुत ही हेल्दी है बच्चों के लिए, और घर पे आप बस 45 मिनट्स में बना सकते हैं। ये देख रहे हैं आप कितना ये सॉफ्ट है, ये देखिए